मजहब अलाउ नहीं करता। खाली बसून गया, खाली बसून गया। बोला आजमी साहब, बोला तुम्ही आजमी साहब, बोला मैं ऐकतोय, बोला महोदय। वहां नारा लगाया गया, वंदे मातरम हम नहीं पढ़ सकते इसलिए कि हम एक अल्लाह को मानते हैं, हम दुनिया में किसी के आगे सर नहीं झुका सकते, ये हमारा माँ के सामने भी सर नहीं झुकाते। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर मैं आज जो है लक्ष्यवेदी लाया हूं। अध्यक्ष महोदय, एक आफ्ताब पूना वाला था जिसने एक बड़ा गलत कांड किया, एक लड़की को काट के फ्रिज में डाला, पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ आफत शुरू हो गई। और अध्यक्ष महोदय, मेरे महाराष्ट्र में मैक्सिमम जिले के अंदर सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली निकलने लगी और उस रैली में मुसलमानों को इतना अपमानित किया गया कि मुसलमान से बड़ा देशद्रोही कोई हो ही नहीं सकता। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं हमसे, ये अहले चमन, ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये किस्सा है, 29 मार्च की शाम को 5 बजे तीन लोग मोटरसाइकिल पर आए राम मंदिर के पास औरंगाबाद में। अध्यक्ष महोदय, क्या नारा लगाया वहां पर उन्होंने? मुझे जो जवाब दिया गया बिल्कुल गलत जवाब दिया गया अध्यक्ष महोदय, दिशा भूल की गई है। अध्यक्ष, वहां नारा लगाया कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम हम नहीं पढ़ सकते इसलिए कि हम एक अल्लाह को मानते हैं, हम दुनिया में किसी के आगे सर नहीं झुका सकते, ये हमारा माँ के सामने भी सर नहीं झुकाते हम दुनिया में किसी के सामने। अध्यक्ष महोदय, हमारा मजहब अलाउ नहीं करता। नहीं नहीं, बसा बसा बसा। सन्मान्य सदस्य अबू आसिम आजमी साहेब, आपण लक्षवेधीच्या स्कोपच्या बाहेर जाऊन बोलू नका, आपण लक्षवेधीच्या स्कोपच्या बाहेर जाऊन बोलू नका, आपण लक्षवेधीच्या स्कोप वरतीच बोला। बसा बसा, बसून घ्या, बसून घ्या तुम्ही पहिली, बसून घ्या तुम्ही पहिली, बसून घ्या पहिली, पहिली बसून घ्या। बसून घ्या, बसून घ्या, बसून घ्या, खाली बसून घ्या, खाली बसून घ्या। बोला आजमी साहब, बोला तुम्ही आजमी साहब, बोला मी ऐकतोय, बोला। महोदय, वहां नारा लगाया गया, मैं आपसे संघर्ष चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, वहां नारा लगाया गया कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, माहौल खराब हो गया। अध्यक्ष महोदय, पुलिस आई, पुलिस ने दोनों ग्रुप को हटाया। अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने दोनों ग्रुप को हटाया रात में। अध्यक्ष महोदय, रात में फिर दोबारा। अध्यक्ष महोदय, रात में फिर दोबारा, रात में दोबारा फिर वो लोग आए वहां पर, 15-20 लोग, और फिर नारेबाजी करने लगे। अध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ के लोग जमा हुए, जागेवर बसा, दोनों तरफ के लोग जमा हुए, जागेवर बसा। और ये डिमांड क्या, जागेवर बसा, जागेवर बसा, कार्रवाई करो इनके ऊपर, कार्रवाई, जागेवर बसा। और जो लोग वहां चिल्ला रहे थे उनको सभागृहाची बैठक 10 मिनिटांसाठी स्थगित केली जात आहे। अध्यक्ष महोदय, रात को फिर दोबारा 30 लोग उधर आए और फिर झगड़ा शुरू हुआ। अध्यक्ष महोदय, जिस ऑफिसर ने वहां पे एफआईआर दिया है, उन्होंने एफआईआर में लिखा है कि 250-250 लोग दोनों तरफ मौजूद थे। मैं मानता हूं कि रिएक्शन में लोगों ने गाड़ियां जलाई, उनपे केस होना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु 250-250 लोग दोनों तरफ जमा है और गिरफ्तारियां सिर्फ एक तरफ की हुई है। अध्यक्ष महोदय, गोली चली है ना, तो एक मुनीरुद्दीन नाम का आदमी जो अपने घर के कंपाउंड में था और बाहर से शटर बंद था, वहां एक आदमी अपने 5 महीने का बच्चा भी लेके खड़ा था और ऑफिसर ने कहा कि मैंने जो है ना जो गोली चलाई नीलिंग पोजीशन में चलाई, बिल्कुल झूठ बोला है। नीलिंग पोजीशन में गोली चलाएगा तो सामने डिवाइडर है, डिवाइडर पे गोली लगती, उसको गोली अंदर लगी है, उसके अंदर। और सर ऑफिसर, वहां उस वक्त लाइट भी नहीं थी, लाइट भी पूरी ऑफ हो गई थी, और ऑफिसर कहता है मैंने उसमें से 25-25 लोगों को पहचाना और मुनीरुद्दीन भी उसमें था, मुनीरुद्दीन तो अंदर था। और मैंने आपको क्लिपिंग मेरे पास है, क्या है, मैं क्लिपिंग लाया हूं, पूरी क्लिपिंग है सर, बिल्कुल झूठ बोला गया है और जवाब में भी झूठ है।
मुनीरुद्दीन अंदर था और उसको गोली लगी, मर गया। अकेला आदमी काम वो था, अपने परिवार को चलाने वाला था। अध्यक्ष महोदय, इसमें बिल्कुल गलत तरीके से दिखाया गया है। और ये जो हो रहा है रोजाना ना, देखिए हेट स्पीच पे कहीं रोक लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने ऐसे अल्फाज को यूज किया कि नपुंसक हो गए, या कार्रवाई नहीं करती। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अध्यक्ष महोदय, क्या हो रहा है रोजाना रोजाना? अभी यही हुआ वहां पे, कल क्या हुआ सर, ये जलगांव के अंदर अलडोल में कलेक्टर ने मस्जिद 300 साल पुरानी मस्जिद बंद कर दिया। और वहां गए जब लोग बात करने ट्रस्टी, तो उन्होंने बुला के पुलिस से धक्के मार के बाहर निकाल दिया और उस पर स्टे ला दिया कि उसमें नमाज नहीं होगी। और कल कोर्ट ने उसको आर्डर दे दिया कि मस्जिद खोलो, नमाज पढ़ो। यानी रोजाना कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें हो रही है। मेरा कहना है सर, आप जो है हेट स्पीच के ऊपर रोक लगाइए। और इसको देख लीजिए आप क्लिपिंग पूरी। वो ऑफिसर जिसने जानबूझ करके गोली चलाई और जिस आदमी ने FIR लिया, झूठ बोला, उसकी आप उस पर 304A का केस होना चाहिए सर। उसके ऊपर 304A का केस होना चाहिए। 160 IPC 160 के तहत गुना दाखिल होना चाहिए। क्या आप उस पर कार्रवाई करेंगे? अध्यक्ष महोदय, क्या उस पर आप कार्रवाई करेंगे? इंक्वायरी सही तरीके से होगी? मुनीरुद्दीन को क्या इंसाफ मिलेगा? उसके परिवार को कुछ सरकार की तरफ से कुछ उनको कंपनसेशन दिया जाएगा क्या? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं सर।